आज का ये पूरा प्रैक्टिस सेशन है, पूरा आपका टेस्ट है ये, और लेटेस्ट पैटर्न है। और इस टेस्ट में आपको इतने सारे टॉपिक एक साथ प्रैक्टिस कराए जाएंगे, तो आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और बाद में कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। अपनी प्रिपरेशन को चेक करिए आप इस टेस्ट के द्वारा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। पहला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन पढ़ लीजिए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें आपको एरर फाइंड करनी है, तो चलिए एरर फाइंड करते हैं। आप पहले करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्या कहा है, वी डू नॉट हैव एडिक्वेट्स मैन पावर एट एनी ऑफ दीज हॉस्पिटल्स टू कैटर टू सच अ ह्यूज टर्नआउट ऑफ बेनिफिशियरीज, नो एरर। तो इसमें क्या आएगा, देखिए यहां पर दिया है वी डू नॉट हैव एडिक्वेट्स। आपको बता दूं मैं, एडिक्वेट्स नहीं होगा, एडिक्वेट होता है, एडिक्वेट होता है। तो यहां पर आपको एडिक्वेट में एरर है, यानी कि ऑप्शन ए में ही एरर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सॉल्यूशन देख लीजिए आप समझ जाएंगे इसमें क्या कहा है। देखिए यूज करेंगे एडिक्वेट को एडिक्वेट्स की जगह पर, क्यों करेंगे। एडिक्वेट जो है वो एक एडजेक्टिव है और वो प्लूरल नहीं बन सकता है, इस वजह से एडिक्वेट्स गलत है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको एरर फाइंड करनी है। पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर रीचिंग आउट टू मी बिकॉज दे हैव रीच्ड अ ब्रेक पॉइंट। देखिए पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया से लोग, ये पूरा सही है। आर बिल्कुल सही आया है क्योंकि पूरी दुनिया के लोग हैं, तो आर आएगा, ठीक है प्लूरल ही आएगा। आर रीचिंग आउट टू मी, मुझ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बिकॉज क्योंकि दे हैव रीच्ड अ ब्रेक पॉइंट, क्योंकि वो ब्रेक पॉइंट तक पहुंच गए, पहुंच चुके हैं। देखिए ये आपने कहा आर रीचिंग, पहुंच रहे हैं, रीच्ड अ ब्रेक पॉइंट, देखिए ब्रेक पॉइंट नहीं ब्रेकिंग पॉइंट होगा, ब्रेकिंग पॉइंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, सी में एरर है, यहाँ ब्रेक नहीं ब्रेकिंग होगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप, यूज ब्रेकिंग इंस्टीड ऑफ ब्रेक एज ब्रेकिंग पॉइंट इज यूज्ड, तो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ब्रेक पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट, इसमें भी एरर फाइंड करनी है आपको। द गवर्नमेंट हैज रूम टू कट एक्साइज ड्यूटी इन पेट्रोल एंड डीजल बाई अप टू रुपीज 8.5 पर लीटर। इसमें बताइए क्या होगा, ये सिंपल है। देखिए द गवर्नमेंट हैज रूम टू कट, गवर्नमेंट क्या कर चुकी है, कट कर चुकी है एक्साइज ड्यूटी को इन पेट्रोल एंड डीजल। तो आपको ध्यान रखना है ये जो कमोडिटी होती हैं पेट्रोल और डीजल, इनके साथ कभी इन नहीं आता है, इनके साथ ऑन आता है। यहाँ पर प्रपोजिशन की एरर है, ये इन नहीं आएगा, यहाँ पर ऑन आएगा, ऑन पेट्रोल ऑन डीजल ये होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में एरर मिली है, तो यही आपका राइट आंसर है। सॉल्यूशन देख लीजिए क्या कहा गया है, यूज ऑन इंस्टीड ऑफ इन, यानी इस इन की जगह पे आपको रिप्लेस करके ऑन लिखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन पढ़िए क्या कहा है, इसमें करना क्या है आपको। तो ये फिलर है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। क्वेश्चन पढ़िए, द फादर ऑफ टू जंप्ड इनटू एक्शन एंड डैश द 6 foot वॉल दैट सेपरेटेड हिम एंड द बिल्डिंग फ्रॉम विच द टूडलर वॉज डेंगलिंग। क्या आएगा इसमें, फादर ने क्या किया है, जंप किया है इनटू, यानी इनटू आया है तो कहीं इंट्री हो रही है, इनटू एक्शन एंड डैश करने के लिए 6 foot बॉल को, तो जंप्ड, जंप्ड नहीं क्योंकि जंप्ड तो पहले ही आ गया, सेट सेट भी नहीं आएगा, ब्रोक दीवार तोड़ने की बात हो रही है यहाँ पर,
नहीं, यहाँ पर बात हो रही स्केल्ड करने की, यानी माप करने की, किसी चीज को नापने की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्केल्ड आएगा यहाँ पर। पढ़ लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्केल्ड फिट बेस्ट इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर स्केल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसमें भी आपको फिलर है, फिलर बताना है इसमें क्या आएगा। द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द बॉडी डैश फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एनदर। तो द न्यूट्रिशनल नीड्स, जो बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एनदर, एक से दूसरे से कैसी होती हैं, अलग होती हैं। यहाँ तो सिंपल था ये बी, यहाँ पर डिफर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक दूसरे से डिफर होती हैं। तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन, डिफर आएगा यहाँ पर। अभी बाकी है टेस्ट, इस टेस्ट की आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहाँ आपको सारे लिंक मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये है आपका एक्टिव पैसिव, तो ये एक्टिव में दिया है आपको और पैसिव में चेंज करना है। मैं और जूम कर लेता हूँ अगर नहीं देख रहा हो, चलिए करिए इसको। दिया है आपको ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे नहीं मारा था, इसका आपको पैसिव बनाना है। देखिए इसको आप कैसे चेंज करेंगे, ही डिड नॉट बीट, ये देखिए आपको दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और तो किस तरीके से करेंगे, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है बाजवर लगता है, तो बाजवर किस में मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी और डी में मिल रहा है, इसका मतलब है ए और बी नहीं होंगे, क्योंकि हैव और हैड हैं, ये नहीं हो सकते हैं। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ही वॉज नॉट बीटन बाई मी, यहाँ तो उल्टा कह रहा है, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे नहीं मारा था, और यहाँ कह रहा है ही वॉज नॉट बीटन बाई मी, या वह मेरे द्वारा नहीं पीटा गया था, ये गलत है, मैं पीटा गया हूँ वो नहीं, इसका मतलब है ये रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या कहा है, आई वॉज नॉट बीटन बाई हिम, मैं उसके द्वारा नहीं पीटा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहा गया है, देखिए पढ़ लीजिए आप, इसमें आपको बेस्ट एक्सप्रेशन यानी सिनोनिम्स बताने हैं आपको, तो सिनोनिम बताना है आपको, जूम कर दिया मैंने, चलिए बताइए सिनोनिम, वर्ड है आपका ब्रूटल, ऑप्शन है मैग्नानिमियस, ऑल्ट्रुइस्ट, फेट, सेवेज, तो बताइए क्या होगा ब्रूटल का सिनोनिम। देखिए ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, तो निर्दयी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सेवेज, सेवेज का मतलब भी होता है निर्दयी। बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं हम, देखिए मैंने बताया सेवेज, सेवेज यानी कि क्रूअल, इसका मतलब होता है जंगली या निर्दयी, तो क्रूअल होता अगर तो क्रूअल लगा देते। बाकी वर्ड्स देखिए, मैग्नानिमस का मतलब होता है दयालु यानी काइंड, आल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकार जो करता है, परोपकारी, फेथ का मतलब होता है ट्रस्ट यानी भरोसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको अपोजिट बताना है यानी इसमें आपको एंटोनिम बताना है, तो चलिए बताइए एंटोनिम, वर्ड है आपका अबेंडन, ऑप्शन है होल्ड, मोल्ड, टोल्ड, फोल्ड, बताइए। देखिए अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना या फिर किसी और को कोई काम सौंप देना, परित्याग कर देना, मतलब छोड़ देना, अपने हाथ से कोई चीज़ छोड़ देना, अपने ऊपर ना रखना कोई चीज़, तो हमको इसका एंटोनिम बताना है, इसका मतलब है छोड़ देना, त्याग देना कोई चीज़, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज़ को पकड़ लेना, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, होल्ड यानी पकड़ लेना, ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन, आंसर आपको पता चल गया होल्ड है, मोल्ड का मतलब होता है फॉर्म, जो शेप देता है उसका मतलब होता है मोल्ड, फोल्ड तो आपको पता ही फोल्ड करना, टोल्ड का मतलब पता ही है बताना कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चलिए इसको बताइए,
वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अदर, जो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोजिलाइट, टू इन्फ्लेक्ट, टू पॉसेस, इंटरल्यूड, क्या बोलेंगे उसको बताइए। देखिए राइट आंसर होगा प्रोजिलाइट। प्रोजिलाइट का मतलब होता है धर्म परिवर्तन, प्रोजिलाइट का मतलब है धर्म परिवर्तन। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोजिलाइट का मतलब है धर्मांतरित, और इंटरल्यूड का मतलब होता है अंतराल, गैप बिटवीन टू इवेंट, इनके बीच का इंटरवल। टू इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है थोपना किसी पर कोई चीज, कोई जिम्मेदारी डाल देना जबरदस्ती। टू पॉसेस का मतलब होता है अधिकार, टू पॉसेस का मतलब होता है अधिकारी, टू हैव बिलोंगिंग टू वन आउन। तो इनको भी आप पढ़ लें, ये भी आपके काम आ सकते हैं, छोड़ना नहीं है आपको, पढ़नी हर चीज़ है, इसीलिए मैं हर चीज़ लाया हूँ, एक एक ऑप्शन को लाया हूँ, छोड़ा मैंने कोई ऑप्शन नहीं है, सब कुछ बताया है। नेक्स्ट इसमें आपको क्या बताना है, इसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही बताना है, जूम कर देता हूँ। चलिए बताइए क्या है ये, अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। कोई इंसान जानवर या पौधा अपनी जो एवरेज हाइट होती है उससे छोटा रह जाए तो उसको क्या कहेंगे? कैकोफोनी, डिप्सोमेनिया, ड्वार्फ या पैनसिया। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, बौना जिसको बोलते हैं, जिसकी हाइट कम रह जाती है उसको बोलते हैं बौना, तो ड्वार्फ होगा इसका राइट आंसर। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। देखिए ड्वार्फ मीन्स बौना। काकोफोनी का मतलब होता है कोलाहल यानी शोरगुल। अगर आए आपसे पूछा जाए अ हार्स चॉटिक मिक्सचर ऑफ साउंड, काफ़ी साउंड का शोरगुल, कोलाहल होता है उसको बोलते हैं काकोफोनी। डिप्सोमेनिया होता है मदिरा, मतलब जो शराब पीते हैं, जो शराब के लिए लड़ाई तक कर ले, इरेस्टिबल क्रेविंग फॉर एल्कोहल ड्रंक। उसके बाद है पैनिसिया, पैनिसिया का मतलब होता है रामबाण, यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी बीमारी का रेमेडी यानी इलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हैं आपके एडियम फ्रेज, देख सकते हैं आप एडियम फ्रेज है, तो आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। क्या क्वेश्चन है? कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, इसका मतलब क्या है? बी अ टेलर, बी द ऑनर ऑफ यू, लिव विद इन वंस मीन्स, कोट इज वेरी लॉन्ग सो कट इट। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ मतलब जितनी जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही हाथ पैर पसारना चाहिए, जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यही इसका सही मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब है लिव विद इन वंस मीन, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही जीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है? देखिए इसमें आपको क्या बताना है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि ये चार आपको स्पेलिंग दी हैं, कोई एक इसमें सही है, तीन गलत हैं, तो जो सही है वो आपको बतानी है। तो बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है कमिटेड की। देखिए कमिटेड की मुझे लगता है आपने बता दिया होगा, डी ये राइट आंसर है, ये वाली स्पेलिंग कमिटेड की ठीक है। डबल एम होता है, डबल टी होता है, कमिटेड यानी डेडिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या करना है आपको, तो इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें आपको जो ये ब्रैकेट के अंदर दिया है इसको बताना है इम्प्रूवमेंट होगा, रिप्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, इफ यू आर कंसीडरिंग अ न्यूट्रिशनल नीड ऑफ वुमेन, यू कैन नॉट इग्नोर प्रोटीन। अगर आप किसी वुमेन की न्यूट्रिशनल नीड्स को कंसीडर करते हैं तो आप प्रोटीन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बताइए इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर लिखा है कंसीडरिंग अ न्यूट्रिशनल नीड, एक न्यूट्रिशनल नीड मतलब क्या होता है, ए नहीं आएगा यहाँ पर, ए आर्टिकल ए गलत है, यहाँ पर आएगा द। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ये है कंसीडरिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स।
पीछे आपने एक पढ़ा भी था, उसमें आप चेक करेंगे द लगा होगा, न्यूट्रिशनल नीड्स इसके आगे द लगेगा। नेक्स्ट बताइए, पैटर्न वही है, आपको ब्रैकेट में दिया है उसको रिप्लेस करना है। द वन पॉजिटिव थिंग दैट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द पेंडेमिक इज दैट पीपल स्टार्टेड टेकिंग देयर हेल्थ सीरियसली। जो ये कोविड का जो पेंडेमिक है उससे पॉजिटिव चीज निकल कर ये आई है कि जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस रहना शुरू हो गए हैं, ये इसका मीनिंग है। तो अब आप बताइए इसमें, देखिए इस सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी है कि लोग रहना सीरियसली रहना शुरू कर चुके हैं, काम कॉन्टिन्यू चल रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी दिख रही है क्या, पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग। देखिए पीपल के साथ हैव आया, ठीक है क्योंकि पीपल प्लूरल है, हैव आएगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड आ गया, लेकिन कॉन्टिन्यू है तो टेकिंग आएगा क्योंकि ये बात कॉन्टिन्यू चल रही है, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको अरेंजमेंट करना है। पी क्यू आर एस चार सेंटेंस दिए हैं, चारों को अरेंज करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, सीक्वेंस क्या होगा इसका आपको बताना है। तो 10-15 सेकंड लीजिए फिर बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपने कर लिया होगा अरेंज। देखिए दिया है बट, यानी बट से सेंटेंस शुरू होगा नहीं। रिवील्ड बाई द कंपनी, क्या चीज़ रिवील की है ये भी हमें नहीं पता, इसका मतलब है पी से शुरू होने वाला गलत है, क्यू से शुरू होने वाला गलत है। अब आते हैं, इंडिया हैज़ नॉट येट बीन, इंडिया अभी तक नहीं, क्या चीज़, इसका मतलब एस से भी स्टार्ट नहीं होगा। बचा क्या, आर, तो आर से स्टार्ट होगा, आर से जो स्टार्ट हो रहा है वही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कुछ था इसमें, आपने दिमाग पता नहीं लगाया, नहीं लगाया, क्या लगाया, कितना सिंपल था। आप एलिमिनेशन मेथड को रामबाण समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो। तो ये इसका राइट सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर डी, आर एस क्यू पी, इस तरीके से लगेगा। अब मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ सीक्वेंस में ही, जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से। द ऑफिशियल लॉन्च डेट ऑफ बैटल ग्राउंड मोबाइल, इंडिया हैज नॉट येट बीन रिवील्ड बाई द कंपनी बट इट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च सून, ये इसका सीक्वेंस है, इस तरीके से बनेगा, आर एस क्यू पी राइट आंसर है। पीडीएफ के लिए मैंने बताया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी ग्रामर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तैयारी करिए, ख्याल रखें अपना, अपनी फैमिली का, बाय, टेक केयर।